ये बताएं कि पीपल पार्टी इस वक्त जो के कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इस पर तो हुकूमत नहीं पूरी हो रही। इमरान खान पहले से कह रहा था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, उस पर भी उन्होंने बात की। ये शरीफों ने ही कहा था कि ये फरवरी में होंगे, उसकी तरफ सारी बात बढ़ रही है। तो इसमें यह पीपल्स पार्टी क्या इकदाम करेगी, क्या फिर से कोई पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, फिर वो इलेक्शन मुहिम के कमीशन के खिलाफ तहरीक चलाएंगी या नगरानों के खिलाफ तहरीक चलाएंगी ताकि इलेक्शन हो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो सारे सियासतदान जो हैं वो उसूली तौर पर तो आवाम के कटहरे में आ जाते हैं, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह का निगरान सेटअप बनाया गया है, अवाम इलेक्शन में भी बेबस हो चुके हैं। ना तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से इलेक्शन की डेट दे सकता है। जो मियां शहबाज शरीफ ने जाते जाते ब्यूरोक्रेसी का जाल बिछाया है, ब्यूरोक्रेसी को जितने उसने नवाशियात की हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, नई गाड़ियाँ, नए बंगले और उनको जो मराद दी हैं, उसका ये समर है कि आज सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, और इसमें शामिल कर रहे 2 अरब रुपये फंड, जी उसमें फंड दो जो तरक्याती फंड्स दिए हैं, और ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह नवाजा है ये नवाज शरीफ ने, बिलखसूस पंजाब में और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, उसमें बाकी सारी सियासी जमातों को बेबस कर दिया गया है, और बाकी सारी सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अवाम को पटवारियों, थानेदारों और वाबडा अहलकारों का जो है उनकी झोली में डाल दिया गया है, और वो पूरी कौम को यरगमाल बना के बैठे हों। ठीक, पूरे पाकिस्तान में हर हलके में ये फहरिस्तें बना रहे हैं, लोगों के ऊपर जाली FIRें दे रहे हैं बिजली चोरी की, और पटवारियों के ज़रिए लोगों को, आवाम को हरासा कर रहे हैं। निगरान सेटअप में जिस तरह का रवैया नज़र आ रहा है, इसमें कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये हुकूमत निगरान हुकूमत है, बल्कि हर बंदा इस चीज़ की गवाही देगा कि ये नून लीग का सेटअप चल रहा है, तसलसल है, और नून लीग का जो है वो तसल्लुत वो पटवारियों, थानेदारों और वाबडा अहलकारों की शक्ल में वो नज़र आ रहा है। ठीक।